ये ताजमहल के साथ हमें फॉग चाहिए था, बट इतना भी नहीं चाहिए था कि ताज ही ना दिखे। आज शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अब वो भी कंफर्म नहीं लग रहा। लेट्स सी क्या होता है। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. जी ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो। पिक्चर अभी बाकी है। हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो हमने जैसा लास्ट वीडियो में कहा था कि हम निकल पड़े हैं नए शहर में, तो आज हम जा रहे हैं और आपको भी लेके चल रहे हैं दुनिया के सातवें अजूबे को देखने के लिए। जी हाँ हम जा रहे हैं आगरा ताजमहल और वैलेंटाइन वीक चल रहे तो इससे सही टाइम नहीं होगा इस खूबसूरत मूवमेंट को देखने का। तो चलिए हमारे साथ आप भी और देखिए कितना खूबसूरत दिखता है दुनिया का सातवां अजूबा। हेलो जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। तो अब हम आपको दिखाने आए हैं दुनिया का सातवां अजूबा। पता है ना सातवां अजूबा क्या है? ताजमहल, जो अभी हाल फिलहाल फॉग के अंदर है, बहुत ही जल्दी फॉग के बाहर आने वाला है। तो अब आप देखने वाले हो ताजमहल का सिनेमैटिक्स इन 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई साहब ये था ताजमहल फ्रॉम आगरा। सच्ची में अजूबा है, बहुत खूबसूरत है। मैंने वीडियोस में जितनी बार देखा है और जब मैं आज फेस टू फेस देख रहा हूँ तो भाई बहुत बहुत खूबसूरत है, हद पार
हद पार खूबसूरत है। अगर आप लोग ने अब तक नहीं देखा है तो एक बार विजिट ज़रूर करना। और एक और छोटी सी इंक्वायरी थी कि अगर आप ताजमहल के साइड बाय साइड देखोगे तो यहाँ पे जो पिलर्स है, चारों पिलर्स है, वो टिल्ट है टूवर्ड्स बाहर की साइड पे। तो उस टाइम पे शाहजहाँ को ऐसा लगा था कि अर्थक्वेक आ जाए और ये पिलर्स ताजमहल पे ना गिरे, इसीलिए ये जो पिलर्स है ये बाहर की साइड पे टिल्ट किए थे। तो उस टाइम पे भी इतना सोचना इस खूबसूरत ताजमहल के लिए बहुत बड़ी बात थी। जी तो हमारा ताजमहल देख के हो गया और अब हम आए हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए। आगरा की दूसरी शान है आगरा फोर्ट। और हमने अब आगरा फोर्ट घूमने के लिए गाइड नहीं लिए क्योंकि हमें यकीन था कि हमारे सीईओ को सब पता है। सो मैं हाँ, इनको सब पता है, इन्होंने गूगल में सर्च किया है, कोई ना अपन काम चल जाएगा। यहाँ पे 200 रुपये खर्च करने के लिए इन्होंने तो पैसे नहीं मिलने के पास भाई, 200 में बहुत कुछ आता है भाई। तो देखो अभी आप लोग आगरा फोर्ट इन्जॉय करो, आगरा की हिस्ट्री, आगरा फोर्ट की हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो गूगल करो या यूट्यूब पे देखो, यहाँ पे आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। चलो भाई, आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो एक से पहली से लेकर दसवीं तक पढ़ लेना, हिस्ट्री बुक में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे की खूबसूरती हमें दिखाएंगे आप। जी तो आगरा फोर्ट की कहानी भी ख़त्म। और आगरा फोर्ट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, तो अगर आप लोग में से किसी को पता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बता दो। अब हम आए हैं एक और जगह पे आगरा में और इस जगह का नाम है बेबी ताज। अब इसको बेबी ताज क्यों बोला गया वो भी मुझे नहीं पता, बट हाँ ये दिख रहा बहुत खूबसूरत है। तो ज़रा आप लोग देखिए और बताइए कितना खूबसूरत दिख रहा है, हमें तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। कभी पूछिए बेबी ताज तो वो आपको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। बट बात करूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस ताज और जहाँ पे भी मैं आज विज़िट किया हूँ, आगरा की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी प्लेस है। बट खाने की बात करूँ तो ओके ओकेश है, बाकी द एक्सपीरियंस फॉर ताज वाज अमेजिंग। मतलब जितना मैंने सोचा था और जितना मैंने देखा था यूट्यूब वीडियोज़ में, उससे कहीं हद पार खूबसूरत जगह है। एंड बहुत मज़ा आया, इस जगह को एंजॉय किया हम लोग ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 4:30, हमारी ट्रेन है जो हमें एक नए शहर लेके जाने वाली है। तो वेट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अब हम कहाँ जा सकते हैं। आगरा में है, आगरा से कहीं ना कहीं तो जा ही रही है, और आप लोग गेस कर सकते हो तो करिए क्योंकि अगला वीडियो उसी शहर से होने वाला है। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा आगरा सीरीज़ वाला एक इकलौता व्लॉग, कमेंट करके बताइए। अभी भूख मार रहे आने वाला है क्या?
हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आया है, क्या बनाने का? देख कैसे, जैसे इतिहास अपने को नहीं पता है वैसे लोगों को घंटा पता है।